गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने शनिवार को बरगंडा पुराना पुल के पास वाटर सप्लाई यूनिट का निरीक्षण किया और खंडोली पाइपलाइन के सिस्टम की जानकारी ली। इस दौरान गिरिडीह विधायक ने बताया कि पाइपलाइन सिस्टम को लेकर गिरिडीह में 4 दिन यानी 20 से 23 तारीख तक खंडोली से पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। बता दें कि इसी पाइपलाइन से गिरिडीह शहर को जलापूर्ति होती है। इसके शिफ्ट होने के तुरंत बाद पुराना पुल को तोड़कर नए पुल का शिलान्यास भी किया जाना है। बताया गया कि पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य तेजी से चल रहा है, शीघ्र ही गिरिडीह वासियों को नए पुल की सौगात मिलेगी। इस दौरान गिरिडीह विधायक ने चाताडीह में पानी की समस्या को देखते हुए वहां स्थित चाणक का भी दौरा कर अगले गर्मी आने से पहले वहां पर चाणक से पानी आपूर्ति करने हेतु उपनगर आयुक्त के साथ मिलकर जानकारी ली और शीघ्र ही काम लगाने का दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में झामुमो नेत्री प्रमिला मेहरा, अभय कुमार, रॉकी सिंह, प्रदोष कुमार, मोहम्मद चांद रसीद, राहुल कुमार मोनू, ब्रजमोहन तुरी, लखन राम, पप्पी सिंह, सुशील शर्मा, आनंद मिश्रा, शिवपूजन, मोहम्मद राज, मोहम्मद बुलंद अख्तर सहित कई लोग उपस्थित थे। तो फाइनली हम लोग इस बात के लिए एग्री हो जाएं कि 20 तारीख से हम लोग शटडाउन लेंगे, 23 तारीख 20 से 23 तक हम लोग शटडाउन इसमें और साथ में अनाउंसमेंट करा देंगे। 20 तारीख आज हम लोगों ने नगर निगम PHED 1 संवेदक RCD के पदाधिकारियों के साथ यहाँ का दौरा किया। अंततः यह तय किया गया कि 4 दिनों के शटडाउन की आवश्यकता है, तो त्यौहार को ध्यान में रखते हुए 20 तारीख को हम लोग शटडाउन लेंगे। 20 से 23 तक खंडोली से पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके लिए होने वाली असुविधा के लिए तमाम लोगों की तरफ से भेद भी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण काम है जिसको करना बहुत आवश्यक था। तो 20 से 23 तक रहेगी और 23 तारीख को हम लोग खंडोली की जलापूर्ति को बहाल करेंगे और इस पुल को बनाने की दिशा में हम लोग और कदम हम लोग के शटडाउन रहेगा। उस दौरान जो नागरिक है उनसे अनुरोध रहेगा कि यथासंभव कुछ अपने पानी के स्टॉक कर लें और आवश्यकता के अनुरूप हम लोग टैंकर से भी पेयजल आपूर्ति करेंगे। जो जिन क्षेत्रों में जिन वार्डों में अधिक जरूरत रहेगी वहाँ हम लोग अधिक टैंकर से आपूर्ति करेंगे। किन किन क्षेत्रों में बाधित रहेगा सर पानी की समस्या? ESR हैं जो पानी टंकी हैं, जिसमें कि झंडा मैदान हो गया, PHED हो गया और आपका 52 हो गया, मछली बाजार हो गया, गुलाकी रोड हो गया। इन टंकी जिन एरिया में इनके आसपास एरिया में